चलिए नमस्कार, मनो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब आ गए हैं तो थोड़ा सुन के जाइए, भाग के क्या करेंगे नहीं? 2 मिनट की बात है और आपके काम की बात है। जीपीएससी नर्मदा में वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की, आपको पता भी होगा। और एक चीज आपको बता दूं कि 2019 के बाद ये वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी पता नहीं। और ये हम हर वैकेंसी, हर गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में यही कह सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होता है। तो जब वैकेंसी आ गई है, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो अब तैयारी की सोच रहे होंगे, तैयारी शुरू भी कर दिया होगा। पर जो नए बच्चे होते हैं ना, थोड़ा उनको कंफ्यूजन होता है कि यार क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बुक कौन सा फॉलो करें, टेस्ट सीरीज कौन सा लें, कई सारे आपके मन में डाउट होता है। हालांकि टेस्ट सीरीज लेने में थोड़ा डरते हैं लोग, देने में डरते हैं लोग, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों डरते हैं। बट आज की वीडियो में स्वागत से लेके ऑल द बेस्ट तक का जो हमारा सफर है, ठीक है, वो हम इसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वेटेज के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो। वैसे आपको पता है, अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस यहाँ पे नजर आ रहा होगा, रिसेंट का सिलेबस है, कोई मेजर चेंजेज है नहीं। इससे पहले भी जो एई का सिलेबस होता है मोस्टली वही सिलेबस, चाहे वो GWSSB हो, GMB हो, GMC हो, या फिर ये नर्मदा, मोस्ट प्रॉब्ली जीपीएससी एई जो कोर टेक्निकल है, कोर टेक्निकल वो भी मैकेनिकल, कोर मैकेनिकल की जो वैकेंसी होती है जनरली वहां पे यही सिलेबस होता है। एक चेंज हुआ है रिसेंट ईयर 2024 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, वेटेज दे दिया गया, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपको इसमें से जो टॉपिक पसंद है आप उसको पढ़ लीजिए। और इस पे भी मैंने कई बार कहा है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपने एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका रीजनिंग एपी तो ठीक होगा, पर नॉन टेक्निकल में आप जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें हो सकता है आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से इसमें जो भी टॉपिक आप कर सकते हो उतना कर लीजिए, रीजनिंग एपी को ठीक कर लीजिए। गुजराती आप आसानी से कर सकते हो, इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा आपको स्ट्रगल हो, पर एक रिकमेंडेशन मेरा यहाँ पे रहेगा कि ये जो सिलेबस है वो आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो 100 मार्क्स का सिलेबस है, गुजराती और अंग्रेजी दोनों में अब आता है, पहले केवल गुजराती में आता था, तो थोड़ा सा रिसोर्स का इशू रहता था कि हमें बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता है। क्योंकि अब इंग्लिश में आने लगा है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आपको इंग्लिश में पढ़ने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इंग्लिश वाले कंटेंट फॉलो करिए, आपको ह्यूज अमाउंट में इंटरनेट पे कंटेंट मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे क्लासेस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हो टॉपिक वाइज। तो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है वो पहले कर लीजिए। यहाँ पे मैं जनरली आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप 50+ अगर स्कोर करते हैं तो आप एवरेज से थोड़ा ऊपर है, 60+ स्कोर एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू आपका गुड है, और अगर 70+ करते हैं आप तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में आता है। और मैं कहूंगा कि आप 70+ करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सिलेबस आगे आपके कई सारे एग्जाम में कंटिन्यू रहने वाला है, जो टेक्निकल के कॉमन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यही सिलेबस मिला, जैसे ITI प्रिंसिपल का आपको पता ही है। इसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी आने वाली है लेबर डिपार्टमेंट में, उसमें भी यही रहने वाला है, और दूसरी वैकेंसी अगर आएंगे तो उसमें भी यही रहने वाला है। तो एक बार आप 100 मार्क्स तैयार कर लीजिए और हो गया काम आपका, 100 मार्क्स का दोबारा इसको छूने की जरूरत है नहीं। तो इसके बारे में और तो डिस्कशन क्या ही करें, कोई सा भी बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है उनमें रिपीटेशन भी काफी होता है। तो रिसेंट का पेपर जब आप एग्जाम देने जाओ तो रिसेंट के जो क्वेश्चन के सोल्यूशन आए हुए हैं वो आपको जरूर करके जाना है। सामान्य ज्ञान मुझे नहीं लगता कि आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत है, अगर आप चाहते हो तो लूसेंट अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो बहुत ब्रॉडवे में है, पर एक पतली बुक भी आती है, वो आप कर लो, दैट इज मोर देन सफिशियंट, 10 मार्क्स आपका हो जाएगा वहां से, ठीक है। अंग्रेजी वाले में चले जाता हूँ ताकि आपको कोई मतलब थोड़ा सा वो वाली इशू ना रहे कि भाई लैंग्वेज इशू हो गया, तो ये आप कर सकते हो। जनरल साइंस एनवायरमेंट, ये सारी चीजें वहां पे आई जाती है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। डेली इवेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, इसके लिए सेपरेटली आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, अपना नोट्स बनाइए या बुक्स भी आती हैं, अगर आपको यूट्यूब से कंफर्टेबल नहीं है तो हाफ ईयरली ईयरली बुक्स आती हैं, वो किसी कोचिंग का लेके पढ़ सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी नेशनल जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो बुक्स आती हैं वो बाय कर लीजिए।
इसके लिए आपके पास जो भी बुक है बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये केवल प्रैक्टिस से ही आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आसान होते हैं, पर आपको टाइम सेव करना होता है, तो आप वहां से कर सकते हैं ये पूरा पोर्शन। ठीक है, गुजराती के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अक्षर पब्लिकेशन। आपके पास जो है वो बेचने की जरूरत नहीं है या एजिटेट होने की जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे, बड़ा मुश्किल नहीं होगा। और सिमिलर चीजें इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब इनमें से आपको चूज करना है कि आपका इंक्लाइनेशन किधर है, आप किसको आसानी से कर सकते हैं, किसके रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, वो टॉपिक आप पहले चूज करके थोड़ा सा सूजी होके आपको पढ़ना है। हाँ, एकदम से रिसर्च नहीं करने लग जाना है, ठीक है। अब जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है उसकी बात करते हैं, और उसमें मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताते हुए चलूंगा। ये 200 मार्क्स है, जो भी सिलेबस में रेड लाइन है ना, वो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो तो आपको करना ही करना है, बाकी छोड़ना नहीं है, बाकी भी करना है, पर ये तो आपके तैयार होने ही चाहिए। यू हैव नो ऑप्शन कि आप इसको भी छोड़ दीजिए। पहला टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले इसके वेटेज की बात कर लें, इतना डिटेल में सिलेबस दिया गया है, और जनरली जीपीएससी का जो पैटर्न है या नियर अबाउट किसी भी एग्जाम में जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, अगर डिटेल में दिया गया है सिलेबस में, नियर अबाउट सारा थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स यहाँ से आएगा ही आएगा। ये इससे प्लस हो सकता है, माइनस होने के चांसेस कम है, मतलब इससे कम नंबर का तो नहीं आएगा, इतने का तो आएगा आएगा, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। जरूरी टॉपिक क्या है मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस रहता है, जीरोथ लॉ से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर आइडियल गैस मिक्सचर, इन सब से क्वेश्चंस रहेगा, डेफिनेटली रहता है। फर्स्ट लॉ से, एनर्जी कंजर्वेशन से, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ में मैंने, आप अपने हिसाब से कर लेना, जनरली इंटरनल एनर्जी का रिलेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, इनसे इनसे क्वेश्चंस रहते हैं। और फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम जो है, स्टडी फ्लो एक एनर्जी क्वेश्चन से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे मेंशन नहीं स्पेसिफिकली, फर्स्ट लॉ मेंशन है और आपको कर लेना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। मेंशन नहीं है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको करना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनको जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके आसपास उस पर भी अप्लाई करके देख लेने हैं, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका कंप्रेशर है, टरबाइन है, नोजल है, बॉयलर है, कंडेंसर है, इन सब पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे अप्लाई होता है, ने पढ़ा भी होगा, वो करके देख लेना है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकेंड लॉ से आप सभी को पता है कि COP से, कैल्विन से, क्लेसियस से, एफिशियंसी से, इरिवर्सिबिलिटी से, एंट्रोपी से, ये टॉपिक सेकेंड लॉ के फंडामेंटल हैं और यही से क्वेश्चंस भी आता है, तो आपको वो कर लेना है, ये सब इसमें आ गया, ठीक है, मैंने टॉपिक बोल दिए साथ में। फिर थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए सारे जो यहाँ पे मेंशन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे ही करने हैं, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ये नियर अबाउट एक दो क्वेश्चन नियर अबाउट सारे टॉपिक से आ ही जाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारा ओवर हो गया, अब हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। हीट ट्रांसफर की अगर हम वेटेज की बात करें कि हीट ट्रांसफर कितने नंबर का आता है, तो हीट ट्रांसफर भी 15 to 20 मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हो कि इतने तो आएंगे, ठीक है। तो इसका वेटेज है ये 15 to 20 मार्क्स। अब ये इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए कुछ तो बेसिक से आ जाता है, कभी कंडक्टर भी आपसे पूछ लेगा, वो भी चलता है, कभी कंडक्शन के बारे में पूछ लेगा, कंडक्शन क्या है, रिलेशन दे देते हैं, कभी कन्वेक्शन के बारे में, वो रहता है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और आती भी होगी, तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो आता होगा, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो उतना तो आना चाहिए। टॉपिक कौन से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके ये क्वेश्चन बनते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन से, फिर इससे तो क्वेश्चन बनता ही है, बायोट नंबर इसके साथ ही आ जाता है, फिंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन, कई बार आपको न्यूमेरिकल, वो भी मतलब फॉर्मूला बेस्ड, बहुत आपको डीप में नहीं पूछेगा क्योंकि टाइम कम रहता है। फिर कन्वेक्शन में सिमिलरली जो आपके डायमेंशनलेस नंबर हैं, स्पेशली यहाँ पे डायमेंशनलेस नंबर नहीं मेंशन है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है, पर आपको करने हैं, डायमेंशनलेस नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। और लेमिनार, टर्बुलेंट, ये तो आता ही है, मतलब वो ये दोनों तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो आपका कन्वेक्शन वाला पोर्शन हो गया।
रेडिएशन वाले पोर्शन, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा ही करके जाना है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर पाओगे? अगर हम बात करने कि सबसे आसान क्वेश्चन पूरे हीट ट्रांसफर में कहाँ से रहेंगे, तो वो यही से रहेंगे। और ये टॉपिक तो भाई रहता ही रहता है, यू हैव नो ऑप्शन कि आप इसको छोड़ दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हीट एक्सचेंजर के इन दोनों टॉपिक से। ठीक है, कर लेना है पैरेलल और कंपाउंड, दो ही पे जनरली क्वेश्चन पूछता है, दोनों का रिलेशन आपको कर लेना है। अब आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं 15 to 20 marks। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें मैंने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट कर दिए जो आपको करना है। पहले तो बेसिक डिफिनेशन, प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी, वो सब आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर फ्लोटिंग बॉडी, वो जो आपका बॉयलेंसी है, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आप देख लेना, बाद में भी कर सकते हो, बर्नौली से क्वेश्चंस रहता है, ये आपको करना है। फिर फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट, इन सबसे क्वेश्चंस रहता है, तो आपको ये कंप्लीट करने हैं। और ये टर्बाइन से तो डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, मतलब रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, तो टरबाइन कर लेना। आप किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, मैं ये भी डिस्कस करता, और हर टॉपिक में कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, पर वो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा काफी, बट आपको आइडिया है कि जनरली ये टरबाइन में, चलो यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कंपेरिजन के क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ पे कौन से टर्बाइन को यूज किया जाता है, लो हेड, हाई हेड, लो डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे टर्बाइन। फिर आ गया पावर इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको साइकिल पढ़ना है, ये वेपर गैस दोनों रहते हैं, तो दोनों को पढ़ लेना, और वही तीन चार कॉमन साइकिल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, ब्रेटन साइकिल पढ़ना है, कर्नॉट साइकिल पढ़ना है, आपको रैंकिन साइकिल पढ़ना है, उनमें जो मेथड है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के वो पढ़ना है, और रेफ्रिजरेशन बात कर ले तो VCR पढ़ना है आपको, वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, तो ये चार पांच साइकिल पावर और रेफ्रिजरेशन दोनों मिला के आपको करने हैं जो कॉमन है। आईसी इंजन में आपको पता है ऑटो और डीजल आता है, तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि 6-7 साइकिल हो गई जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आईसी इंजन में नॉकिंग या अबनॉर्मल कंबशन से क्वेश्चंस रहता है, कार्बोरेटर से जनरली देखा गया है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर इंजेक्शन से, लुब्रिकेशन से, एमिशन से, और साइकिल कंपेरिजन से, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसेंट कुछ टाइम से ये सिलेबस में ऐड हुए हैं, पर क्वेश्चन पूछे, जितना सिलेबस दिया है उसके रेफरेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 पूछे गए हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन कहीं इन टॉपिक से आ जाते हैं, तो उसी के वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना है। पर व्हीकल परफॉर्मेंस, व्हीकल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, मेथड कौन से हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो आपको करने हैं। ये थोड़ा नया टॉपिक है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, पर कर लीजिएगा थोड़ा बेसिक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है टॉपिक ढूंढने में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर और साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये दो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों कर लेने हैं। और यहाँ पे अगर मैंने वेटेज नहीं बताया पावर इंजीनियरिंग का, तो ये मैं बताते चलता हूँ आपको। चौथा का जो ये 3-4 साइकिल हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे 6 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे, किसी साइकिल से 1, किसी से 2, तो इस तरीके से जनरली नियर अबाउट सारे साइकिल से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। आईसी इंजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 20 क्वेश्चन, इससे कम होने के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, प्लस होने के चांसेस यहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बताया वो तो है ही एज यूजुअल। फिर जो आपका 6 नंबर का है, ये 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, और वो इन्हीं टॉपिक से रहेंगे, तो मुश्किल नहीं है, 2-3 टॉपिक आप कर लेते हो तो 10 से 12 नंबर कर लोगे। COP वाला हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, वो कोई थर्मोडायनेमिक रख देता है, कोई यहाँ पर रख देता है, तो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, कोई ये कह के नहीं भाई तो थर्मोडायनेमिक टॉपिक है, कोई कह के नहीं तो रेफ्रिजरेशन का टॉपिक है, बट हाँ थर्मोडायनेमिक और रेफ्रिजरेशन दोनों मिला दो तो ये आपके 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे आसानी से। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपका 7 नंबर का पॉइंट है,
ये टॉपिक है तो छोटा पर यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये वेरिएशन भी रहता है क्वेश्चन में कि कभी थोड़े कम कभी फ्लक्चुएट हो जाते हैं क्वेश्चन, कि कभी 5-7 नंबर का पूछा, कभी 15 नंबर का पूछ लिया, इस टाइप का रहता है। तो ऑन एवरेज 10 से 15 नंबर मैं कहूंगा कि इन टॉपिक से रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक है जनरली यहाँ से रहता है। फ्री बॉडी डायग्राम जनरली आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर मोशन, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स और ये इम्पल्स, नियर अबाउट इसके सारे टॉपिक आ गए उसमें। फिर बट क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, और आसानी से एनर्जी कंजर्वेशन से भी क्वेश्चंस रहता है, तो आपको मूवमेंट कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर काइनेमेटिक्स, ये आपको कर लेना है। काफी ज्यादा छोटा टॉपिक है वेटेज, मतलब आप इसको 5 to 6 आवर में कंप्लीट कर सकते हो, मुश्किल नहीं होगा आपको करने में, और वहां से 10 से 12 नंबर आ जाएंगे आपके आसानी से। फिर है मैकेनिक्स ऑफ द मटेरियल, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन, कॉन्स्टेंट्स जो आते हैं, पॉइसन रेशियो, मोहर सर्कल, बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, तो ये 4-5 टॉपिक हैं। और एक कॉलम का टॉपिक्स है जो येलोर थियरी वाला, ये तो ये कुल 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें करने हैं। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो अगेन ये 12 से 15 नंबर का वेटेज है इसका। ठीक है, 12 से 15 मार्क्स यहाँ से भी आ सकते हैं। 9 नंबर का जो टॉपिक है कैनमेटिक्स, इसमें आपको स्टार्टिंग की चीजें कर लेनी है, वो जो पेयर है, काइनेटिक चेन है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया तो जो भी, मतलब मैं अगर इसके वेटेज की बात करूँ तो 12 से 15 नंबर अगर ये आता है तो 50% तो क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचे वो आप कैम, गेयर, गेयर टेन कर लीजिए, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, तो आप कह सकते हो 50% यहाँ से, 50% वहां से कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभी ये घूम के बैलेंसिंग से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर टाइम बचता है तो बैलेंसिंग भी कर लीजिए, बेसिक बैलेंसिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इंजीनियरिंग मटेरियल की, 10 नंबर का टॉपिक है, यहाँ पे आपको 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल के जो टॉपिक दिया है यहाँ पे, वो भूल जाओ कि आपने आप किस सिलेबस में क्या पढ़ा, जो टॉपिक दिया है यहाँ पे इस टॉपिक के हिसाब से ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अलॉइंग एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आप कर लेना, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट हाँ वहां से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वो इंक्लूड करके मैंने बताया है इन जनरल, और जो जरूरी है उनको मैंने रेड मार्क कर दिया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली पूरे हमारे इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक या सिलेबस यहाँ पे। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग में भी पैटर्न, फिलिंग टाइम, राइजर, इन सबसे चीजें पूछी जाती हैं। फिर ट्रेडिशनल जो आपका कन्वेंशनल प्रोसेस है यहाँ से पूछा जाता है, वेल्डिंग से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और हीट ट्रीटमेंट डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा, हीट ट्रीटमेंट रिलेटिवली आसान है वेल्डिंग और कास्टिंग के कंपैरिजन में, पर अगर हम ये पढ़ें कि किसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे वेल्डिंग में देना पड़ेगा, उससे कम टाइम कास्टिंग में पढ़ने में देना पड़ेगा, उससे कम टाइम आपको हीट ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा, कम टाइम में आपका तैयार हो जाएगा। पर नियर अबाउट जो क्वेश्चन होंगे वो इन 3 और 4 टॉपिक से नियर अबाउट सेम आएंगे। फिर इनको तो मैंने उधर ही मटेरियल साइंस वाले चैप्टर में डाल दिया मेरे हिसाब से, तो इनका तो जो वेटेज है वो मैं मटेरियल साइंस में डाला हूँ। ठीक है, बाकी वेल्डिंग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और नॉन कन्वेंशनल में सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के वो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं, और 5 to 6 या इससे भी 2 नंबर ज्यादा है, ये जनरली इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल के बारे में बेसिक डिटेल, जितनी भी नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस हैं सबके बारे में आपको आनी चाहिए, उनका कंपेरिजन भी कुछ कुछ आना चाहिए, कई बार मटेरियल रिमूविंग रेट और कौन से मटेरियल के लिए कौन सा बेटर है, और किसी में अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो वो सब चीजें आपसे पूछता है। और ये तो हिस्सा है आपके फ्लूड मैकेनिक्स का, पर सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, बट इनके जो मार्क्स हैं मैंने फ्लूड मैकेनिक्स में ऐड किया हुआ है, तो पंप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पंप जरूर पढ़िएगा, 100% क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बाकी जो है उसको आप लिव कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से भी रह सकते हैं। फिर जो 10 नंबर का आपका टॉपिक है मेट्रोलॉजी, ये 6 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से भी हो सकते हैं, या 5 to 8 कह लीजिए। ठीक है, मैंने एवरेज करके लिखा हुआ है जो मार्क्स है, तो फिट टॉलरेंस इन सब से 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंट से आ जाते हैं,
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जनरल जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड वहां से आ जाते हैं। फिर 13 नंबर जो है, 13 नंबर का भी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी 5 to 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि 5 to 8 मार्क्स के यहाँ पे आ सकते हैं। जनरली दो टॉपिक है, NCCNC के बीच का डिफरेंस और पार्ट प्रोग्रामिंग और कुछ बेसिक कैड कैम से रिलेटेड चीजें। ऑपरेशन रिसर्च ये छोटा टॉपिक है, आप सिंपलेक्स छोड़ के मैं कहूंगा कि बाकी सब कर लीजिए, आसान है बाकी सब करना और यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। आप 10 to 12 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक और बहुत मुश्किल नहीं है, 6 से 8 घंटे में आप सारा खत्म कर सकते हो, उससे कम में भी कर सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो। करंट ट्रेंड मतलब यहाँ से भी 2 to 3 मार्क्स आते हैं, 2 to 3 मार्क्स आते हैं, पर ये थोड़ा रैंडम इन नेचर के होते हैं तो इसमें एफर्ट देने की आपको जरूरत नहीं है, आप वो पढ़ लीजिए। कभी कभी कोई आर्टिकल इस टाइप की चीजें आई हैं तो ठीक है पढ़ लेना, वैसे कुछ कह नहीं सकते कि आप वो पढ़े हो तो ये वाले क्वेश्चन कर ही दोगे, थोड़ा रैंडम होते हो। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आप इसका टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मेरे पास टेस्ट सीरीज एकदम स्पेसिफिकली इसकी तो नहीं है, बट इन जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पे कवर किया हुआ है, अगर कोई टॉपिक नहीं रहेगा तो उसका भी टेस्ट सीरीज डाल दिया जाएगा, पर ध्यान रहे कि ये टेस्ट सीरीज जो है ना प्योर ऑनलाइन है, आपको यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, आप बस टेस्ट दे सकते हो और उसका सोल्यूशन देख सकते हो, सोल्यूशन देखने में कोई इशू नहीं है, टेस्ट दीजिए और उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो जो आपने पढ़ाई किए हैं वो कर पा रहे हो एग्जाम में या नहीं। कुछ टॉपिक बचे होंगे जिनके टेस्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होंगे, वो अपलोड हो जाएंगे, आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी बुक्स के बारे में मेरा सजेशन हमेशा से वही होता है कि सोल्यूशन अच्छा दिया गया है तो YCT पब्लिकेशन एक या बुक ले सकते हो, पहले ये सिंगल वॉल्यूम में आती थी अब 2 वॉल्यूम में आती है। अगर आपको सस्ती चाहिए तो पहले वाला वॉल्यूम कहीं पर मिला वो भी ले सकते हो, आप उससे भी काम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सस्ता कोई सस्ता मनाना का इशू नहीं है तो आप दोनों वॉल्यूम ले सकते हो नया एडिशन। ठीक है, तो ये इंड रहा हमारे वीडियो का, चलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।